मनोरमा मोहंती प्रेस कॉन्फ्रेंस करी रहा छे, सीधा त्यां जाइए। अति भारी बारिश मिल सकता है और अगले 5 दिन के लिए भारी से अति भारी बारिश मिलने का संभावना है। गुजरात रीजन में, सौराष्ट्र कच्छ में भी भारी से अति भारी बारिश मिलेगी, लेकिन कभी कभी आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेन ऑल्सो होने का संभावना है। कारण क्या होगा मैम? अभी फिलहाल पूरे गुजरात एक नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में एक सर्कुलेशन है, उसका एडजॉइनिंग साउथ गुजरात रीजन, नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी एडजॉइनिंग साउथ गुजरात रीजन में सर्कुलेशन है और अपसोर ट्रॉप भी एक्टिव है, उसके कारण से गुजरात को बारिश मिलने का अभी संभावना है। और ईस्ट है सियर जोन, ईस्ट वेस्ट सियर जोन जो अभी 17 डिग्री में है, सौराष्ट्र है बारिश मिलने का संभावना है। दिया जा रहा है मेट्रो मीडिया और स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया गया है, भारी बारिश का जो वार्निंग हमने दिया है सभी जगहों में बताया गया है। अहमदाबाद में आज का क्या होगा मैम? आज भी बारिश हो सकता है, लाइट टू मॉडरेट रेन होने का संभावना है, भारी बारिश होने का संभावना ज्यादा नहीं है। कल भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा, परसों हो सकता है, कल परसों हो सकता है, कहीं जगह कहीं का भारी बारिश हो सकता है। मैम कल भारी पवन थी तो उसका क्या कारण था? कल रात को थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुआ, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के कारण से टेम्पररीली कुछ समय तक हवा बढ़ जाती है, उसके कारण से हवा बढ़ गया। मैम हैवी रेनफॉल कहाँ पर होगा? हेवी रेनफॉल अभी मैं मैप से शेयर करूंगी, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मैंने हेवी रेनफॉल दिया है, हेवी वेरी हेवी एक्सट्रीमली हेवी दिया है, वो मैं आपके साथ। अलर्ट में ही जाएगा, ऑरेंज अलर्ट में ही जाएगा, क्योंकि जो वेरी हेवी एक्सट्रीमली हेवी हम जो डे 3 को दे रहे हैं अभी हम कंसिडर करते हैं, एज ऑफ नाउ इट इज ऑरेंज अलर्ट, जिसे पास पास आएगा तो हमको हम उसको चेंज करेंगे जरूरत पड़ेगा। फिशरमैन वार्निंग कल से है अगले 5 दिन तक, आज फिशरमैन वार्निंग नहीं है, लेकिन विंड जो सी शोर इवन कोस्ट में विंड का गति थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, 15 to 20 नॉट्स होने का संभावना है। ओके,